तो गाइस यार दुकान खोलने का टाइम आ चुका है, फटाफट से घर पे पहुंचना पड़ेगा। एकदम से मस्ती एंट्री करने वाले सीधा घर के अंदर और खोलेंगे अपनी खतरनाक सी दुकान। और गाइस यार अभी हम आ चुके हैं घर पे, तो आप सबका स्वागत है। हमने खोला एक नया बिजनेस टेबल और चेयर का। हम बेच रहे हैं मस्त टेबल और चेयर अपने घर पे। तो ये हमारा नया बिजनेस है और मैंने सोचा ये वाले बिजनेस को मैं लेके जाने वाला हूँ $100 मिलियन तक। $100 मिलियन की टेबल और चेयर बेचने वाला हूँ। नीचे शिनचैन भी पूरा तैयार, सारी टेबल यहाँ पर भी लग चुकी है। शिनचैन कितनी सेल हुई? अरे चोर आगे चोर, अबे चोर नहीं मैं हूँ। अरे विक्की में हेलमेट क्यों पहन रखा था? आप पहले से इतने ज्यादा काले हो और काला हेलमेट भी पहन रखा था। अबे शिनचैन वो सब छोड़ना, सेल कितनी वो बता। अरे विक्की में पूरी एक चेयर बिकी है। क्या सिर्फ एक चेयर? वैसे तो यार बहुत सारे लोग आते हैं। अरे विक्की में वो लोग हमें चप्पल मारने आते, बोलते इतनी गंदी चेयर क्यों बेचते हो। अरे यार इतनी मस्त चेयर तो गाइस आप देख सकते हो, पूल टेबल है और ग्लास टेबल, और जैसी टेबल चाहिए वैसी टेबल है। अगर आप आपको भी टेबल चाहिए तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, सीधा आपके घर पे भिजवा दूंगा। इनमें से जो भी आपको पसंद आ रही हो फटाफट से बता देना। अरे लिटिल सिंगम, फिर क्या तोड़ दिया तूने? अरे पापा सॉरी पापा, टेबल टूट गई। क्या तूने मेरी 100 साल पुरानी टेबल तोड़ दी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लिटिल सिंगम। अरे पापा सॉरी पापा सॉरी पापा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 100 साल पुरानी ये मेरे दादा के पर दादा की टेबल थी, तूने उनकी टेबल तोड़ दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पापा मुझे छोड़ दो पापा सॉरी। पूरी टेबल के 2 टुकड़े कर दिए, अब हमें नई टेबल लेनी पड़ेगी तेरे दादा के पर दादा के लिए। चलो चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, और अगर खिलौने के लिए जिद करी ना बहुत मारूंगा। ओके पापा मारना मत, मैं चलता हूं। तेरी वजह से फिर से खर्चा होगा, नई टेबल लेनी पड़ेगी। ये जो नया टेबल वाला ना, इससे टेबल लेते हैं। और कस्टमर आ गया। अरे विक्की में तो लिटिल सिंगम के पापा है। क्या? आइए सर बताइए आपको क्या चाहिए। मेरे इस बेवकूफ बच्चे ने मेरी 100 साल पुरानी टेबल तोड़ दी, मुझे 100 साल पुरानी टेबल दिखाओ। क्या 100 साल पुरानी? सर हमारी दुकान तो परसों ही खुली है, मेरे पास 2 दिन पुरानी टेबल है। क्या सिर्फ 2 दिन पुरानी? और कहीं से लाके तो मुझे। सर आइए मैं आपको दिखाता हूँ ग्लास वाली टेबल, ये बहुत ही अच्छी है। नहीं चाहिए, 100 साल पुरानी। आइए सर यहाँ पे हमारा नया कलेक्शन है। अरे पुराना कलेक्शन चाहिए? पुराना कलेक्शन आइए, ये पुराना कलेक्शन भी है। अरे इनको कहाँ से दिखाऊं पुराना कलेक्शन, सारा माल 2 दिन पुराना है। रुको लगता है झूठ ही बोलना पड़ेगा। आइए सर ये टेबल है ना 100 साल ही, ये 1000 साल पुरानी टेबल है। क्या 1000 साल पुरानी? और इसकी लकड़ी अभी तक अच्छी कैसे? अरे सर मैं इसकी बहुत ही केयर करता हूँ, रोज इसकी पॉलिश करता हूँ, इसलिए इतनी अच्छी लग रही है। रुको रुको सूखने दो। आहा ये टेबल तो बहुत अच्छी है, मुझे यही चाहिए, बुक कर दो। सर हमारे पास और भी टेबल है, चाय पीने के लिए, गेम खेलने के लिए। नहीं चाहिए, फटाफट से एड्रेस लिखो और बुक कर दो। ओके सर थैंक यू सर, दोबारा जरूर आना। नहीं आएंगे, पहले टेबल तो भेजो। पापा पापा मुझे टॉफी चाहिए। क्या? देखो मैंने बोला था ना कुछ और मांगना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। सॉरी पापा मुझे छोड़ दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे अंकल छोड़ दो लिटिल सिंगम को। नहीं ये मुझे रोज परेशान करता है, नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं जा रहा हूँ घर पे, मत आ जाना गलती से भी। अरे सर इसको रोड से उठा लो। अरे फेंकना है तो फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे विक्की में हम इसका क्या करेंगे? अबे शिनचैन इसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। एक काम कर, तू इसको हॉस्पिटल लेके जाके ठीक करा, जब तक मैं उन अंकल की टेबल की डिलीवरी कर देता हूँ। ठीक है विक्की में, जल्दी से फोन लगा लेते डिलीवरी वाले को, उसको बुला लेते हैं इस टेबल की डिलीवरी के लिए। तो गाइस हमारी ट्रक आ चुकी है जिसमें वो टेबल जाने वाली है लिटिल सिंगम के पापा के पास। और यार कितनी ज्यादा लेट आता है। अरे सर थोड़ा सा लेट गया। अरे जल्दी गेट खोलो, हमें टेबल चढ़ानी है। अरे सर आप टेंशन मत लो, अभी के अभी चढ़ा देंगे, एक बार आना, गेट थोड़ा सा लॉक हो गया। अरे यार कैसे कैसे काम करते, गेट भी लॉक कर देते। अच्छा ठीक है आ गया। बिल्कुल हिलना मत वरना मार दूंगा चक्कू से। आप कौन हो? अरे मुझे छोड़ दो। ए बड़ू हम तेरी दुकान लूटने आ चुके हैं, मेरी बात सुनो, जितनी टेबल चेयर मिले सारी ट्रक में डाल दो। अरे सर ऐसा मत करो, मेरा नया बिजनेस है। अरे बड़ू नया बिजनेस तो चोरी कर रहे हैं, सबका सब सामान डाल लो, निकलते यहाँ से। अरे सर ऐसा मत करो। ए बड़ू मजे को इतनी सारी ट्रक टेबल चेयर मिल गए, चलो चलो चलो। अरे बेकी बंद करो। अरे रुक जाओ मेरी दुकान लूट गए। अरे बेकी आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा, मेरी पूरी दुकान लूट गए और ये लिटिल सिंगम पे इधर पड़े। अरे बेकी भाई कुछ तो करना पड़ेगा, हमारा बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। हमारा बिजनेस तो चलने से पहले ही खत्म हो गया, मेरी सारी टेबल चेयर ले गए, एक भी नहीं छोड़ के गए, ऊपर जो छत पे पड़ी थी वो भी ले गए, अब मैं क्या करूँगा शिनचैन। हाँ हेलो कौन? अरे मैं लिटिल सिंगम का बाबा बोल रहा हूँ, जल्दी से मेरी टेबल भिजवाओ और वो मेरे कूड़ेदान जैसे बच्चे को भिजवा देना, जल्दी भिजवाओ। अरे सर वो थोड़ी दिक्कत हो गई, जल्दी भिजवाओ। हाँ सर मैं चलो भिजवा रहा हूँ।
एनीवे की क्या हो गया? अबे शिनचैन, तू इस लेटे सिंगम को हॉस्पिटल लेके जाके ठीक करा और मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करता हूँ पैसों का। मुझे वापस अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा और ना ये लेटे सिंगम के पापा तो मुझे मार देंगे अगर मैंने इनकी डिलीवरी नहीं करी तो। कहा मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा और अपने बिजनेस को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरे बच्चे और मेरी गाड़ी को किडनैप कर लिया डगन के गुंडों ने, कोई तो मेरी मदद करो। सर मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकता है। बताओ बताओ कौन है वो? सर अभी फोन लगा के बुलाता हूँ। आ गया दिल चुराने मैं आ गया। अरे फ्रैंकलिन आओ, ये हमारे बॉस है। हेलो बॉस, कैसे हो? अरे ये काला काला लड़का कौन है? मेरे को काला बोला? मैं एक तो आपका काम कर रहा था, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे बेटा सॉरी सॉरी, गलती से काला बोल दिया। बेटा मेरी मदद करो, मेरे घर पर बहुत सारे गुंडों का अटैक हुआ था, उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। बच्चा छोड़ो, मेरी गाड़ी को किडनैप किया। बच्चे तुम्हें मेरी गाड़ी को वापस लाना पड़ेगा। क्या गुंडे साहब के बच्चे को छुड़ा के लेके आना है? अरे मेरी गाड़ी को भी। अच्छा गाड़ी को भी? अरे कौन से गुंडे? डगन के गुंडे। डगन? अच्छा डगन। अरे डगन बॉस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे तभी तो तुम्हें बुलाया है, मेरी गाड़ी लेके आओ। और आपका बच्चा? अरे उसको बोले छोड़ो, बच्चा तो छोटा है पर मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। अच्छा आपकी गाड़ी चाहिए, तो बच्चा लेके आना है कि नहीं? अरे बच्चा भी चाहिए गाड़ी भी चाहिए, पर गाड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे से। अच्छा ठीक है मैं उसे ले आऊंगा, पर उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारे वेपन्स और एक खतरनाक सी सुपर फास्ट कार। हो जाएगा, सामने तुम्हारी कार खड़ी है उसके अंदर वेपन्स है, जाओ और मेरी गाड़ी लेके आओ। और बच्चा भी ले आना यार अगर मिले तो। अच्छा ठीक है अभी क्या, अभी चाहता हूँ डगन बॉस के गुंडे से आपके बच्चे को छुड़ा के लेके आता हूँ। और मेरी गाड़ी को भी? हाँ मतलब आपकी गाड़ी को भी। गाड़ी जरूर लाना। अरे हाँ गाड़ी भी ला दूंगा। अरे गाइस इन अंकल का बच्चा और इनकी गाड़ी किडनैप हो चुकी है, तो मुझे उन दोनों चीजों को वापस लेके आना है। और ये अंकल बोल रहे हैं कि गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे से, तो गाड़ी मुझे जरूर लेके आनी है। और बच्चा मिले तो मिले वरना ना मिले तो कोई ठीक है। तो गाइस अभी मैं वहां पे आ चुका हूं जहां पे डगन बॉस के बहुत सारे गुंडे खड़े सामने, और मुझे वो गाड़ी भी दिख रही है। लगता है मुझे ये वाली गाड़ी को लेके जाना है, और बच्चा तो इधर से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे उधर जाके पता चल रहा है कि बच्चा उधर है कि नहीं। फटाफट अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, उधर चलते हैं और उनको दिखाते हैं कि हम कितने ज्यादा खतरनाक है। बच्चे को बचाना है और गाड़ी को भी बचाना है। चलो फटाफट से चलते हैं। चलो 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 फटाफट से, मैं उस बच्चे उस गाड़ी को जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। आपको यार पता ही होगा मेरा बिजनेस पूरा चौपट हो चुका था। कुछ गुंडे आए थे खतरनाक से, मेरी सारी टेबल चेयर लेके चले गए थे, तो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो गया था। पर कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे आ चुके, हमें जैसे पैसे मिलेंगे हम खोलेंगे एक और खतरनाक सा बिजनेस और उसको भी वापस से बहुत ही सक्सेसफुल बनाएंगे। आपको तो याद होगा हमारे बहुत सारे कस्टमर्स आते थे, उतने कस्टमर वापस से आएंगे। अभी इनके ऊपर अटैक करने वाले, फटाफट से अपनी गन यहाँ पे निकाल लेते। एक काम करते यही से मारना शुरू करते, सामने से मुझे गोली वोली मार देंगे। इधर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, एक काम करते स्नाइपर से चुपचाप मारते। सबसे पहले ट्रक लेको मारेंगे, ये एक गया। चलो गाइस एक को मारा, दूसरे को मारते, ये तीसरे को मारते, और इन सबको पता चल चुका मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इनको फटाफट से मारना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही सारे लोग हैं, पर एक सेकंड वहाँ पे सामने मुझे बहुत सारी टेबल्स दिख रही है। अब ये टेबल इधर क्या कर रही है? एक सेकंड जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं है, ये वही तो गुंडे नहीं है जिन्होंने मेरी सारी टेबल और चेयर चुराई थी, जिनकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस बंद हो चुका था। रुको रुको अभी पता चल जाएगा। एक सेकंड वहाँ पे एक ट्रक भी खड़ी है, अरे ये तो मेरी ट्रक है, रुको उसको पहले मारते हैं। अरे गाइस ये तो ट्रक मेरी है और ये सारी टेबल चेयर ये सब का सब सामान मेरा है। ये वही गुंडे थे जो मेरे घर पे आए थे, मेरे सारी सारी टेबल चेयर लेके चले गए थे। ये देखो ये वो ट्रक जिसमें मैं डिलीवरी करने वाला था, और ये सारी टेबल चेयर मेरी है। और गाइस मुझे वो गाड़ी भी मिल चुकी है जो कि मुझे चाहिए थी। और एक सीन लगता है ये उनका ही बच्चा है जो कि यहाँ पे पड़ा है, इसको फटाफट उठा दे। ए बच्चे उठ जा। अरे ये तो उठ नहीं रहा, लगता है इसको गाड़ी में ऐसे लेके चलना। एक काम करता हूँ उस बच्चे को गाड़ी के ऊपर बांध दो ताकि हम इसको लेके जा पाएंगे, और फिर मैं वापस आऊंगा अपने ट्रक को यहाँ से लेने और सारा सारी टेबल पे हमें मिल जाएगी। तो गाइस बच्चे को हमने अपने साथ ले लिया, फटाफट से इसको छोड़ के आते हैं इसके घर पर। गाड़ी भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है, और गाइस हमें वापस से आना है वो सारी टेबल चेयर और वो ट्रक लेने जो कि हमारी है सारी सारी। मैंने सोचा था भैया नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, पर लगता है नया बिजनेस शुरू नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गाइस हमें मिल चुकी है हमारी सारी की सारी टेबल और चेयर। फटाफट से बच्चे को छोड़ के आते हैं।
तो गाइस सर अभी हम आ चुके हैं उन अंकल के पास जिन्होंने हमें काम दिया था गाड़ी और उनके बच्चे को लाने का। अरे फ्रैंकलिन तुम तो बहुत ही खतरनाक निकले, मेरी गाड़ी ले आए और आपका बच्चा भी। अरे बच्चे से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी गाड़ी कितनी ज्यादा अच्छी गाड़ी है। अरे अंकल आपका काम हो चुका है, मुझे फटाफट से मेरे पैसे दो। हाँ फ्रैंकलिन ये लो 1000 रुपए। 1000 रुपए आपका बच्चा लेके आऊँ? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अरे आपकी गाड़ी लेके आया हूँ। अरे तो 1000 रुपए तो बहुत है तुम्हारे लिए, मैं गाड़ी वापस से लेके आ रहा हूँ, इसको तो इस बार तोड़ फोड़ दूंगा। अरे बच्चे मेरी बात सुनो। नहीं नहीं मैं आपकी बात सुनने नहीं वाला, 1000 रुपए दे रहा है मुझे, मैं तो जा रहा हूँ और आपका बच्चा भी लेके जा रहा हूँ और आपकी गाड़ी भी। चलो गाइस फटाफट से यहाँ से निकालते, ये अंकल मुझे बोल रहे की 1000 रुपए देंगे इस काम के, मुझे ये काम करना ही नहीं है, मैं तो ये गाड़ी भी रख लूंगा और इस बच्चे को भी रख लूंगा, अपने साथ यार शिनचैन का दोस्त बनाऊंगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, शिनचैन और ये साथ साथ खेलेंगे। तो गाइस वापस हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पे हमारी ये ट्रक पड़ी थी और ये वही टेबल है जो कि मैंने अपने हाथों से साफ करके रखी थी अपनी दुकान पे। पर कोई बात नहीं, हमारी दुकान वापस से चालू होने वाली है क्योंकि सारी टेबल्स हमें मिल चुकी है। फटाफट से सारी टेबल्स को डालते हैं अपने ट्रक के अंदर और यहाँ से लेके निकलते हैं। पहले इस ट्रक को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे टेबल्स और फिर लेके चलेंगे अपने घर पर, अपनी दुकान को वापस लगाएंगे। तो गाइस सारा का सारा सामान डाल लिया अपने ट्रक में, फटाफट से अपने घर पे लेके चलते हैं और अपनी दुकान को वापस से सेटअप करेंगे। सारी टेबल चेयर वापस से साफ करके लगानी पड़ेगी क्योंकि पानी में बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई थी, और अपनी दुकान को भी वापस स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए क्योंकि गाइस हमारी शॉप की ओपनिंग होने वाली है एक बार फिर से। जब पहली बार ओपनिंग पर रही थी तभी मैंने मस्त मस्त सूट वूट पहना था और वापस से सूट पहन लिए। क्या आप तैयार हो हमारी मस्त मस्त नई नई शॉप देखने के लिए? वैसे तो पुरानी है पर एक और बार खुलने वाली ना, तो इसलिए नई नई शॉप पे आप सबका स्वागत है। तो गाइस ये रही हमारी खतरनाक सी टेबल और चेयर की शॉप जो कि है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ऊपर पूरा का पूरा सेटअप वापस हो चुका है, नीचे पूरा सेटअप हो चुका है, अब तो कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। तो गाइस आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतने ज्यादा कस्टमर्स हमारी शॉप पे आने वाले, तो सब्सक्राइब करते रहना। और गाइस हमारी दुकान के मैनेजर है शिनचैन, वर्कर है ये बच्चा और लिटिल सिंघम, ये सब यहाँ पे काम करते हैं और अपनी शॉप को चलाते हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगने वाली है, थोड़ी देर में आई जाएगी। अरे विक्की भाई लिटिल सिंघम भी ठीक हो चुका है? अरे हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तो गाइस हमारा लिटिल सिंघम भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, हॉस्पिटल जाके शिनचैन बिल्कुल तैयार है हमारी शॉप को चलाने के लिए, तुम आराम से शॉप चलाओ। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ एक खतरनाक सी सीक्रेट चीज, आपको तो याद होगा हम एक खतरनाक सी गाड़ी लाए थे और गाइस पूरी सामने वो गाड़ी जो कि हमने यहाँ पे छुपा के रखी है ताकि कोई देख नहीं ले, यहाँ पे बिल्कुल ढंग से हमने छुपा दिए, कोई भी यहाँ पे इस गाड़ी को देखेगा नहीं। फटाफट से इसके अंदर बैठते और अभी हम जाने वाले घूमने और लॉस सैंटोस वासियों को बताने वाले कि हमारी शॉप खुल चुकी है। सुनो 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 लॉस सैंटोस वासी सुनो, हमारी शॉप खुल चुकी है, आइए आइए फ्रैंकलिन टेबल एंड चेयर शॉप पे आइए और बहुत सारी शॉपिंग करिए, आइए आइए आइए। तो गाइस हम पूरा अनाउंसमेंट कर रहे हैं लॉस सैंटोस में, आप भी अनाउंसमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, हमारी शॉप को बहुत ही ज्यादा नंबर 1 शॉप बनाना है। तो गाइस अच्छी बड़ी सी बताई, अगर आपको अच्छी वीडियो लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इस वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉइन फॉलो करना, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।